नमस्कार, राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नलवा में आपका स्वागत है। नलवा गांव हरियाणा के हिसार जिले में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ दूर दराज क्षेत्र का एक गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 6,000 है, जो कि आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है। यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा कृषि व पशुपालन है। इसके साथ साथ लघु व कुटीर उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इस गांव को बड़े उद्योगपतियों की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता है। 1941 में यह प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था, 1954 में माध्यमिक, 1974 में उच्च तथा 2006 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्नत हुआ। इसके बाद 2020 में सरकार ने इस विद्यालय को CBSE बोर्ड के अंतर्गत आदर्श संस्कृति विद्यालय के रूप में चयनित किया। विद्यालय प्रांगण की हरियाली कहीं से भी यह भान नहीं होने देती कि विद्यालय एक खुश्क क्षेत्र में अवस्थित है। विद्यालय की इस क्रमिक उन्नति के पीछे विद्यालय प्रशासन व विद्यालय प्रबंधन समिति का विशेष हाथ है। विद्यालय की खूबी यह है कि SMC यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के विकास व इसकी शैक्षिक व सहगामी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यहाँ पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति पूर्ण रूपेण जागरूक एवं सक्रिय है, जिसके कारण विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो पाया। इस विद्यालय में 642 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर यह बताना अत्यंत सुखदायक है कि विद्यालय में सामान्य समुदायों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के बच्चे भी अध्ययन करते हैं। मुख्य विद्यालय होने के कारण आसपास के लगभग 10-12 गांवों के बच्चे पढ़ने के लिए यहां पर आते हैं। इसका कारण विद्यालय में एक उच्च स्तरीय शिक्षण वातावरण है। मैंने यहां पर प्राइवेट स्कूल से दाखिला लिया है। यहां पे बड़ी बड़ी साइंस लैब्स हैं, हमें सब कुछ करके दिखाया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड है यहां पे, उससे हमारी मेंटल एबिलिटी हाई हुई है और ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीण परिवेश में यह एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। कभी कभी प्रार्थना सभा में SMC के सदस्य भी शिरकत करते हैं। वे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण सामूहिक रूप से करते हैं। विद्यालय में विज्ञान, कंप्यूटर, भूगोल प्रयोगशालाओं आदि के माध्यम से संबंधित विषयों का शिक्षण अधिगम कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। समुदाय द्वारा लड़कियों के लिए अनुबंधित प्रशिक्षक समेत एक कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई है। सिलाई सेंटर में आप देख सकते हैं कि यह लड़कियों को रोजगार परक बना रहा है। ब्यूटी वेलनेस वो ऑटोमोबाइल प्रयोगशाला में विद्यार्थी अपने संबंधित कौशल को निखार रहे हैं। विद्यालय की यह वर्तमान स्थिति यूं ही नहीं प्राप्त हुई, बल्कि इसके पीछे यहाँ कार्य करने वाले पूर्व व वर्तमान प्रधानाचार्यों व उनके साथ कार्यरत स्टाफ सदस्यों की अनवरत मेहनत की भूमिका रही है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी विद्यालय के विकास की कहानी। वर्तमान में विद्यालय में 640 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सुविधाओं संसाधनों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी और उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पूर्व प्राचार्यों द्वारा किए गए कार्यों योजनाओं को बेहतर ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कार्य ग्रहण करने उपरांत मैंने देखा कि स्कूल के अंदर बहुत सी समस्याएं थी। सही तरह से करने के लिए हमने सभी अध्यापकों को प्रेरित करते हुए नवाचार और क्लास इंटरवेंशन को बढ़ावा दिया तथा बच्चों के अच्छी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जो है शिक्षकों द्वारा प्रेरित करते हुए हमें लगाई गई। पूर्व प्राचार्य श्री प्रदीप नरवाल जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जो बीज उन्होंने बोए थे वो अभी अंकुरित होना ही शुरू हुए थे। उनको आगे बढ़ाना ही मेरी ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य था और उसमें मेरा सहयोग दिया ESHM श्री आदर्श कुमार जी और सभी स्टाफ सदस्य। उस समय हमारा मेन मोटिव था कि हम कम्युनिटी, SMC इन सब को साथ लेकर चले, तो इसके लिए प्लानिंग की गई। उसमें विशेष रूप से जॉयफुल सैटरडे और PTM, ये हमारा लक्ष्य हमने रखा। कुशल स्कूल लीडरशिप की अगुवाई में जोश और उत्साह से लबरेज स्टाफ के एक संकल्प ने कि हमें सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की धारणा बदलनी है, ऐसी सपने और ऐसी संकल्प को
मैंने साकार होते हुए देखा। इस विद्यालय की तस्वीर और विद्यार्थियों की तकदीर बदलती हुई देखने का मैं साक्षी। प्रारंभ में अनेक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानाचार्य एवं कर्मठ सहयोगी स्टाफ सदस्यों ने सभी समस्याओं का समाधान करने की ठानी। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यालय ने 2013 में CM ब्यूटिफिकेशन अवार्ड तथा 2014 में क्लास रेडिनेस प्रोग्राम में स्वर्ण पदक जीता व मंडल स्तर पर विद्यालय की रिपोर्ट सर्वश्रेष्ठ घोषित की गई। तत्कालीन प्रधान सचिव डॉ. TC गुप्ता, विद्यालय शिक्षा हरियाणा द्वारा इसको विशेष प्रशंसा का पात्र पाया गया व इसे दूसरे विद्यालयों के लिए अनुकरणीय बताया गया। समुदाय को विद्यालय से अपेक्षाएं हैं, विद्यालय उन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है और इससे समुदाय व विद्यालय दोनों में आपसी विश्वास मजबूत होता है, पर समुदाय और ज्यादा सहयोग देती हुई नजर आती है। विद्यालय के अनुशासन में, अध्यापकों की हेल्प करने में और जो हमारे विद्यालय में जो SMC देख रेख करती है, क्लासों में जाके चेक करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय यहाँ नलवा स्कूल की जो SMC है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हर समय प्रयास करती रहती है कि स्कूल और ज़्यादा तरक्की करे। विशेषकर जैसे कि नामांकन में है, एडमिशन के टाइम गांव में घूमते हैं ग्रुप बनाकर, भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आए। और मैं समझता हूँ पिछले जो सेशन अभी गया है उसमें करीब करीब 125 बच्चे नए एडमिशन इन्होंने करवाया, तो SMC बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्राचार्य व अध्यापकों में गजब का उत्साह और जज्बा देखने को मिला। सभी अपने कार्य के प्रति समर्पित पाए गए। यहाँ पर सभी अध्यापकों की शारीरिक भाषा को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कितना उत्तम शिक्षण वातावरण यहाँ पर मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी कार्यों का अवलोकन समय समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति सभी कक्षाओं का अवलोकन करती है, आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को अमूल्य सुझाव व सहयोग भी देती है। पहले ये चिंता थी कि बच्चे किस तरह जाओगे, टाइम पर पूछेंगे ना परीक्षा में, और तो फिर बस की सुविधा होगी और चिंता मिटगी सबकी, पेरेंट्स की, टाइम पर पूछ जाएंगे बच्चे। कुछ पूर्व विद्यार्थी समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहित व अनुप्रेरित भी करते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सर, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। यह बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमारी बात समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन विद्यालय में क्या है कि तनाव हो गया या एंग्जाइटी होगी, काफी ऐसी चीजों को फेस करना पड़ता है। बच्चे हार रहे होते हैं कई जगह पे, वो किसी फील्ड में ऊपर जा रहे हैं लेकिन किसी फील्ड में बहुत डाउन आ रहे हैं, तो इससे उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी SMC है, जो टीचर्स है, वो लगातार हम बच्चों के साथ इतना अच्छे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं ना कि हम बिल्कुल खुलकर उनके साथ वो अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और उसका वो हमें समाधान भी देते हैं। यही नहीं, SMC सदस्य दोपहर के भोजन का प्रतिदिन जायजा लेते हैं, उत्कृष्ट बनाने में अपना सहयोग देते हैं। प्रतिदिन मिड डे मील की हमने हमारी कमेटी की ड्यूटी लगा रखी है, एक मेंबर यहाँ आता है, चेक करता है और बाकायदा पूरी इंक्वायरी करके फिर जाता है। नियमित रूप से MDM रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस कार्य में SMC सदस्यों के साथ साथ पूर्व विद्यार्थी अपनी महती भूमिका निभाते रहते हैं। SMC सदस्य विद्यालय की विभिन्न पाठ्येतर सहगामी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे कोई पर्व या त्योहार मनाना हो या फिर राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हो, सभी गतिविधियों में सकारात्मक रूप से सहयोग देते नजर आते हैं। SMC के माध्यम से सामुदायिक प्रतिभागिता के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मांग किए जाने पर एक 4 कमरों के भवन का निर्माण करवाया गया, कंप्यूटर लैब व सिलाई सेंटर स्थापित किए गए, उत्तम जल की व्यवस्था हेतु RO लगाया गया, पानी की आपूर्ति हेतु 4 सबमर्सिबल पंप्स लगवाए गए, बिजली आपूर्ति हेतु इन्वर्टर बैटरी प्रदान किए गए, समय समय पर विद्यालय भवन के उचित रखरखाव हेतु मरम्मत व रंग रोगन की सेवाएं प्रदान की जाती रहती हैं। हम देख पा रहे हैं कि सामुदायिक प्रतिभागिता विद्यालय की लगभग सभी गतिविधियों में अपनी महती भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। समुदाय के सदस्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि विद्यालय में उनका योगदान निरंतर बना रहे। जो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो काफी सपोर्टिंग है,
किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन से संबंधित या कोई भी हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मेरे ख्याल से बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं और स्कूल को काफ़ी देख रेख में रखते हैं। इनके द्वारा किए गए हर कार्य के दस्तावेजों को इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। 15 साल पूर्व में किए गए कार्य को भी लेखबद्ध किया हुआ है। इनकी अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत विद्यालय प्रशासन, अध्यापक व गांव के वो बच्चे हैं जो देश के कर्णधार बनने जा रहे हैं। जुनून की हद तक कार्य करने की भावना वाले टीचर्स जिन्होंने एक संकल्प लिया कि हमें सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा को बदलना है और इस संकल्प को साकार करने के में साथ दिया विद्यालय SMC की जागरूकता और सक्रियता। 650 विद्यार्थियों के अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन के मध्य SMC ने एक पुल का कार्य किया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन पुरस्कार आरंभ किए गए, जैसे पर्यावरण मित्र पुरस्कार, तुलसी विद्या स्मृति शैक्षणिक पुरस्कार चलाए गए जो कि बेहद सफल रहे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर आते हैं प्रत्येक क्लास के उनको 500 रुपए से 2100 रुपए तक का वो पारितोषिक देते हैं। I passed my 11th as well as 12th standard from government senior secondary school Nalwa Hisar. Now I'm serving in Defence Fire Services Indian Army. मैं पिछले काफी समय से नलवा स्कूल के बारे में जानकारी रखता हूं और मैं कई बार वहां पर अपनी विजिट भी कर चुका हूं। वहां पर जो सामाजिक सहभागिता है उसके संबंध में बहुत सारा कार्य किया गया है। अन्य विद्यालय भी इसका उदाहरण दे करके और इनसे सीख सकते हैं और हमारे टूल मुखियागण अधिकारीगण भी इसी तरह के विद्यालयों का उदाहरण दे करके अन्य विद्यालयों को भी प्रेरित कर सकते हैं। SMC द्वारा किया गया मूल्यवान निवेश न केवल समाज अपितु राष्ट्र के लिए भी अति उपयोगी सिद्ध होता है। अतः इस प्रकार की SMC हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर होती है। धन्यवाद।